यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा के लिए ये यकीन करना कुछ मुश्किल था कि वे सिविल सर्विस की ऑल इंडिया टॉपर बन गई है। श्रुति कहती है, इंटरव्यू के बाद मुझे पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद तो थी, मगर फर्स्ट रैंक पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कई बार अपनी रैंक चेक की, यह एक यादगार सरप्राइज है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ, उन सभी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस कामयाबी को पाने में मदद की। आइए जानते हैं श्रुति शर्मा के सफर के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। श्रुति शर्मा का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है, हालांकि वह दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दिल्ली से ही की है। उन्होंने सरदार पटेल विद्यालय से अपनी स्कूली पढ़ाई की, इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स और फिर जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में एमए में एडमिशन लिया। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी को चुना। श्रुति कहती है, जामिया की इस अकेडमी से मुझे बहुत मदद मिली, साथ ही मेरे टीचर्स, दोस्तों और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही मुझे यह सफलता मिल पाई है। रिजल्ट आते ही मैंने मम्मी और नानी को बताया और फिर पापा से फोन पर बात की। उनकी खुशी देखना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपको बता दें, श्रुति ने दूसरे अटेम्प्ट में सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता हासिल की है। वह कहती है कि पहली बार में मैं एक गलती की वजह से इंग्लिश मीडियम में एग्जाम नहीं दे पाई और हिंदी में लिख कर स्कोर नहीं कर पाई और एक नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया था, लेकिन निराशा से ज़्यादा मुझे हिम्मत मिली और दूसरे अटेम्प्ट में मेहनत की और इस बार मैंने इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया और सफलता हासिल करी। श्रुति कहती हैं, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है तो सही स्ट्रेटजी चाहिए होती है। मैंने खुद नोट्स बनाए, रिवीजन पर फोकस किया, साथ ही इस एग्जाम की तैयारी में धैर्य बहुत जरूरी है, इस पर मैंने पूरा ध्यान दिया। श्रुति का मानना है कि खुद के नोट्स तैयारी में काफी मदद देते हैं। वह कहती है, सिविल सर्विस का सिलेबस बड़ा होता है, मार्केट में बहुत स्टडी मटेरियल है, मगर कई बार स्टूडेंट्स इसके भरोसे ही रहकर गलती करते हैं, बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं। बेसिक्स पर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, साथ ही बार बार रिवीजन सिविल सर्विस की तैयारी की बड़ी जरूरत है। वह कहती है, मैं कोचिंग गई थी, मदद भी मिली, मगर बाद में मैंने कोचिंग छोड़ दी, मुझे सेल्फ स्टडी पर ज्यादा भरोसा था। श्रुति घंटों की पढ़ाई पर यकीन नहीं रखती। वह कहती है, हर एक का पढ़ने का अलग स्टाइल होता है, इसलिए हर कोई किसी एक फॉर्मूले पर पढ़ाई ना करे, साथ ही घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि जितनी देर ध्यान और लगन से पढ़ सके उतना पढ़े। अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाएं। आपको बता दें, सिविल सर्विस टॉपर ने आईएएस और यूपी कैडर अपनी पहली प्राथमिकता रखी है। वह कहती है, मैं महिलाओं को मजबूत करने और शिक्षा के क्षेत्र पर काम करना चाहती हूँ। बाकी जिस सेक्टर में मुझे काम करने का मौका मिलेगा वहाँ बेहतर काम करूँगी। आपको बता दें कि इस बार रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा रहा है, टॉप 3 स्थानों पर लड़कियों ने कब्जा किया है। श्रुति के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंघाल रही। श्रुति ने अपने एक मॉक इंटरव्यू के वीडियो में बताया कि उन्हें नई चीजें सीखने और नए कल्चर के बारे में जानने में रुचि है। वह किताबों और सिनेमा की भी शौकीन है। वह अपनी सफलता का श्रेय जामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग को देती हैं। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं, जो भारत की विकास यात्रा के एक अहम समय में अपनी प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पीएम ने असफल रहे उम्मीदवारों को संदेश देते हुए कहा, मैं निराशा को समझता हूँ, मैं यह भी जानता हूँ कि ये प्रभावशाली युवा किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख के हमें बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।